राइट गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं तीन माउंटेन्स। तो गाइस हम निकल चुके हैं सारे मार्शुदा में, अभी बिस्किट पास पहुंचेंगे कुछ 5-1 मिनट में। ये जो मार्शुद का दिख रही है इसके अंदर हम जाएंगे, ये पूरी बुक करवाई है। ऑलराइट, तो अभी हम बिस्किट पार्क पहुंचे हैं, जहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्शुद का है। तो मार्शुद का के थ्रू हम जाएंगे झील माउंटेन्स, तो देख के बता देंगे कुछ 5-1 मिनट में हम यहाँ से निकल लेंगे और आगे का व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Hi guys, we are going on a trip Zee Mountain with our seniors. हाँ फ्रोंजे पता नहीं है भैया, रोक दी क्या नीचे? ये हम झील माउंटेन आ गए, अभी राइड तो भी क्लोज है क्योंकि स्नो इतनी है नहीं, अभी ठंड मिटने वाली थी इसलिए हम ये देखना व्यू देखने आ गए। और अभी यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी है इसलिए यहाँ पे सब कुछ ऑफ है, हमको पता नहीं था, लेकिन अभी जो है उससे एंजॉय करेंगे। अभी ये सब सूखे पहाड़ दिख रहे, लेकिन जब स्नो होती है तो ये बहुत तगड़े दिखते हैं। दिसंबर एंडिंग जनवरी में पूरा स्नो से भरा हुआ रहता है, ठंड के टाइम -20-25 डिग्री रहता है, गर्मी में भी है ज़्यादा। हम इस पहाड़ पे आके बैठ गए क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ये थोड़ी देर इधर रेस्ट करूँगा मैं तो। ऑलराइट गाइस, तो फिर हमको लगा था यहाँ पे कोई राइडिंग वाइडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे छुट्टी है 3 दिनों की। तो पागल बना रहे गाइस हमको, सबको मिल गए, वही पागल बनाने वाला सीन हुआ। तो यहाँ पे बस अभी भैया जो बर्फ है इसके साथ खेलो और फिर मारो एक दूसरे को और फिर मारो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस है और समझे मेरे पे इतनी स्नो डाली है। हाँ तो ऐसा ही होता है, अभी भी पड़ रही है वो तो, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा था कि यहाँ पे वो होगा तो राइडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे कोई राइडिंग नहीं थी। बंद है यहाँ पे, बंद है यहाँ पे, हाँ सब बंद है, तो बट ये बंद है, कुछ करा ही नहीं, बस बर्फ। कुछ समय के बाद हॉर्स राइडिंग करेंगे हम लोग, पूरा हॉर्स वहाँ पे, हॉर्स है उधर उधर है। तो हमको लगा था यहाँ पे कोई होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते मजे के लिए। तो स्नो फाइटिंग अब और कैरी ऑन करते हैं, चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सब तो उतर गए लेकिन तुमको अब उतरना। अच्छा फोटोज खींच रहे थे, एस्थेटिक एस्थेटिक। ऑलराइट, तो अभी दूसरी जगह पे आए हम, तो अभी देखते हैं और क्या चीजें यहाँ पे देखने को, और देखते हैं फटाफट। व्यू देख सकते हो यहाँ पे, काफी ज्यादा तगड़ा है, एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। तो अभी यहाँ पे घूमने का प्लान बनाया, अभी यहाँ पे घूमेंगे, क्या झरने बह रहे हैं फुल यहाँ पे, आवाज आ रही होगी आपको पीछे से, तो आप सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो। कहाँ जा रहा प्रथम? ये बस आ गया, झरना आ रहा है ऊपर, आवाज सुन सकते हो तुम, आवाज सुनो। हाँ यहाँ साइड में झरना है एक, और तू कहाँ जा रहा है? लेकिन वहाँ ऊपर मस्त झरना है, झील टाइप है, वहाँ ऊपर जहाँ पे बर्फ दिख रही है उस पहाड़ में जा रहा है। चलो गाइस, थक नहीं जाएगा तू? ले जाते हैं ऊपर, थक नहीं जाएगा? यस, थोड़ा सा रहा है, 10 मिनट और वेट कीजिए और हम ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। आधा पहाड़ चल रही है, जहाँ तक बर्फ नहीं आती थी,
और अब जहाँ बर्फ आती है वहाँ पहुँच गए। बर्फ आ चुकी है, यहाँ बर्फ है, देख सकते आप, देख सकते हो यार। झरना क्रॉस करके हम ऊपर जाएंगे, ऊपर तीन भारी है, तो अभी हम उधर जाएंगे फिर अभी देखेंगे। हालत टाइट हो गई पूरी, अंगुलियां सुन पड़ गई कब से, दो तीन घंटों से हम उधर ही पड़े थे। और मेरे जूते देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरे गीले हो गए, इसके भी गीले हो गए, इसके भी गीले हो गए, पूरे हाथ सुन हो गए, पागल हो गए हम लोग, हमारे पैरों की उंगलियां पूरे सुन हो गई है। पिंगिनाम है अच्छा, बबीता मत बन, तेरे कलम में दार नहीं, तेरा कलम में गार नहीं, तेरी कलम से मेरा कोई कलाकार नहीं। आज का मतलब अब खत्म हो गया है, हम नीचे जा रहे हैं, हम जाएंगे हॉस्टल, और अब हॉस्टल जाके तेल के सोलाने वाले हैं हम। हाँ अभी जाते हैं माशूद का, माशूद हम बैठेंगे और यहाँ से रवाना हॉस्टल के लिए। और इस नागदा ने बहुत ज्यादा फोटो खिंचवाए, इसके फोटो की एक नहीं है, दो तीन फोटो डिलीट मार दिए जाएंगे नागदा के। नहीं नहीं आपके मारे देंगे मेरे। यहाँ पे मतलब पैर की ऐसी दिलची होगी, अब जाके सो पैर की ऐसी दिलची होगी, सोना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। जम चुके हैं बर्फ में, वहाँ पे स्मार्ट करते हैं हम। और आज का टूर हमारा समाप्त।